प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग उदाहरण नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको किसका निकालना है? 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 96 का लिखते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड चलिए निकालते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे, यह 48 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 24 होगा, फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाते हैं 2 6 के 12, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं 2 3 6, अब 3 से ही डायरेक्ट लगेगा, 3 1 3 हो जाएगा। इसका कै गो हुआ? 1 2 3 4 5, 5 गो आया, 2 और 1 आया 3। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, कै गो हुआ? 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है? गुना 3 लिख सकते हैं। और इसको हम स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं क्या? 2 पे पावर 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 गुना 3। 3 पे पावर नहीं है कुछ तो 1 होगा मान लेते हैं। उसके बाद चलिए 404 का निकालते हैं, 404 का अभाज्य गुणनखंड, 404 का अभाज्य गुणनखंड चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 404 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से अगर लगाएंगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, यानी 202 आया, फिर अगर हम लगाते हैं 2 से तो 101 हो जाएगा। अब जब लगेगा तो 101 से ही लगेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 101 आया, क्या आया? 2 गुनी 2 गुनी 101 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 101, इसका पावर में है कुछ तो इसका भी 1 होगा मान लेते हैं। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अब इसमें क्या निकालना है हमको? HCF और LCM। HCF तो सिंपल है, HCF लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर, HCF क्या आ जाएगा? जो ये दोनों में, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो HCF होगा। जो कॉमन है, क्या है इसमें कॉमन? 2 है, 2 है, 2 लिख लिए। और जो कॉमन है, कॉमन तो लिख लिए, लेकिन उसका न्यूनतम घात लेना है हमको। इसमें न्यूनतम घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 2 है, न्यूनतम घात ये हुआ, तो इसको लिखेंगे न्यूनतम घात कितना है? 2 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 2 गुनी 2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। HCF कितना आ गया? 4। अब लिखेंगे LCM बराबर, LCM जब निकालेंगे, LCM क्या होगा? जो जो संख्या इसमें और इसमें दिख रहा है सबको लिखेंगे, 2 है यहाँ भी, 2 है तो 2 तो लिखेंगे ही। उसके बाद देखिए 3 है यहाँ, 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है इसमें? 3 तो लिखिए दिए, 2 भी लिखिए दिए हैं, तो 2 लिख लिया है, तो 3 यहाँ 101 बचा है, तो 101 भी लिख देंगे। अब LCM का मतलब है कि हमको कौन सा घात लेना है? अधिकतम घात लेना है। अधिकतम घात क्या लेना है? अधिकतम घात। तो इसका 2 का देखिए अधिकतम घात क्या है? 5 है, 2 और 5 है, तो अधिकतम घात 5 हुआ, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और 3 का अधिकतम घात क्या लेना है? देखिए 3 का अधिकतम घात लेंगे, 3 पर पावर 1 ही है, इसका मतलब घात 1 ही होगा, इसका भी घात 1 ही होगा, क्योंकि अकेले है 101 है, इसका अधिकतम घात 1 ही होगा। तो इसको लिखेंगे, अगर 2 पे पावर 5 है, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 32 होगा, और ये 3 हो जाएगा, ये गुना 101 हो जाएगा। अगर इसको हम गुना करेंगे 32 या 96 को अगर 101 से गुना करते हैं तो हमको आ जाएगा क्या? 96 96, इतना आ गया। ये क्या आ गया? LCM आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, अतः लिख देते हैं, अतः 96 और 404 का HCF बराबर, 4 आया है, उसके बाद लिखेंगे 96 और 404 का LCM बराबर कितना हो जाएगा? 96 96, यानी 9696 आ गया, इतना आ गया। यही दोनों हमको पूछ रहा था, यही हमको कंफर्म आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे और अधिक स्टूडेंट को लाभ मिले। धन्यवाद।